हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं व्रत में खाई जाने वाली फलहारी कढ़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फलहारी कढ़ी। सबसे पहले हम कढ़ी के घोल की तैयारी शुरू करते हैं। एक छन्नी की मदद से मैं 1/4 कप सिंघाड़े के आटे को छान लूंगी। आप यहाँ पर कुट्टू के आटे का यूज भी कर सकते हैं। जब ये छन जाएगा तब मैं इसमें 1 कप दही डालूंगी और दही को मैं छान लूंगी। आप यहाँ पर मथानी का यूज भी कर सकते हैं। दही को आप मथनी से भी मथ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छन्नी में से ही छाना है। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी, जिससे जो दही मेरी छन्नी में लगी हुई है वो भी निकल जाए। अब मैं विस्कर से इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, पानी हम इसमें अभी बाद में डालेंगे। पहले मैं अपने सिंगाड़े के आटे को दही के साथ अच्छे से फेंट लूंगी। कढ़ी का घोल तो तैयार है, अब मैं पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बाउल में मैं छन्नी रखूंगी, उसमें मैं 1/2 कप सिंघाड़े के आटे को छान लूंगी। अब मैं इसमें 1/2 कप उबला हुआ कद्दूकस किया आलू डालूंगी। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अब यहीं पर मैं 15 से 20 करी पत्ते, जिनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, उनको डालेंगे। अब मैं इसमें व्रत में खाए जाने वाला नमक यानी सेंधा नमक 1 टीस्पून डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और मैं इन सब को मिक्स कर लूंगी। अब हम यहाँ पर 1/4 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा कर हम अपने पकौड़ों का घोल तैयार करेंगे। आप एक साथ इसमें पानी मत डालिएगा, वरना हमारा पकौड़े का घोल पतला हो जाएगा। हमें जितनी जरूरत होगी हम उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। देखिए, 1/4 कप पानी लिया था मैंने, ये पूरा पानी इस घोल में जा चुका है और हमारा पकौड़े का घोल भी बनकर तैयार है। अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम होने रखा था। देखिए, तेल भी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें तेज आंच पर छोटे छोटे पकौड़े डालने शुरू करूँगी। आप हाथ को गीला करके ही पकौड़ों को डालिएगा। जब हमारे सारे पकौड़े डल जाएंगे तब मैं अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूंगी। आप इन पकौड़ों को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, व्रत में भी, बिना व्रत के भी। ये बहुत कुरकुरे बनते हैं और हम पकौड़ों को दोनों तरफ से अलट पलट कर कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। देखिए पकौड़ों का कितना अच्छा कलर आ गया है। हमारे पकौड़े अब तैयार है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। अब हम अपनी कढ़ी को छौंक लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है। अगर आप व्रत में ऑयल यूज करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, और यहाँ पर मैंने एक आलू लिया था जिसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे। उन आलुओं को इसमें डालूंगी और एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इन आलुओं को मैं 1 मिनट तक फ्राई होने दूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। अब इन आलुओं के ऊपर मैं 15 से 20 करी पत्ते, जिनको मैंने काट लिया था, उनको डालूंगी। हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी और इनको मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको हम मिला लेंगे। अगर आप व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो नहीं डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब यहाँ पर मैं 1 कप गर्म पानी डालूंगी और इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। देखिए, इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। अब मैं इसमें अपना जो कढ़ी का घोल मैंने बनाया था उसको डालूंगी और इसमें मैं 3.5 कप पानी डाल देंगे। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए। जैसे ही कढ़ी में उबाल आने लगेगा हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और इसको 15 से 16 मिनट तक पकने देंगे।
जब 15 मिनट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वादानुसार थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब जो हमने पकौड़े तल कर रखे थे मैं उनको अपने अंगूठे से हल्का सा प्रेस कर कढ़ी में डाल दूंगी। अब हम कढ़ी में 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर ढक्कन लगा कर मैं कढ़ी को 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। मुझे 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपनी कढ़ी को चेक कर लेती हूँ। वाह, कितना सुंदर कलर आया है और हमारी कढ़ी भी बनकर तैयार है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी। लीजिए, हमारी मजेदार टेस्टी फलहारी कढ़ी बनकर तैयार है। आप इसको समा के चावल, पूरी या पराठे के साथ खाइए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी बताई हुई ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज उनको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।